हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ हम लोगों ने शुरू की थी, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। सो आज भी हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जो हमारा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का मोबाइल ऐप है, लॉन्च हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली की हर एक वीडियो की फ्री PDFs, ऑडियो रिवीजन, वीडियोस, ईबुक्स, जॉब अलर्ट्स, OSP नोट्स, जो कि सबसे यूनिक फीचर है, सब कुछ आपको एक ही जगह पर बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो जाकर के ऐप को जल्दी से डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ चैनल ने मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स की जो PDF है वो लॉन्च कर दी है। सिर्फ़ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपके सारे ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ये हेल्पफुल होने वाली है। सो जल्दी से जाकर इसको परचेस कीजिए। हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच में हुई थी। तो हल्दी घाटी की जो लड़ाई है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के मध्य हुई थी। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह और असफ खान ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया। सो आंसर क्या है इसका, अकबर। मुगल प्रशासन व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी, इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। इस प्रथा के अंतर्गत उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया। सो इसका भी सही आंसर क्या है, अकबर के द्वारा ही करवाया गया था। उत्तर प्रदेश के आगरा के क्षेत्र में स्थित फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। ये हिंदू और मुस्लिम वास्तुशिल्प के मिश्रण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कई सारी इमारतें थी यहाँ पर, पंचमहल, जोधा भाई का महल, बहुत सारी चीज़ें थी जो अकबर के द्वारा बनवाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। सो द आंसर इज मोती मस्जिद, पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम पैलेस, ये सारे कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में। देख लेते हैं हम और कौन कौन से हैं, पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम उज्जमानी का महल, ये सभी कहाँ हैं, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। जबकि जो मोती मस्जिद है, एक दिल्ली और एक आगरा के किले में अवस्थित है। ठीक है, मोती मस्जिद दो जगह पर है। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श करता था। सो आप सभी ने सुना होगा, इबादत खाना जो था अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अकबर की धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि के परिणाम स्वरूप फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना जो है, आराधना की स्थापना इनके द्वारा की गई थी 1575 में। राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। सो द आंसर इज 12। ठीक है ना, हम देख लेते हैं, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 तथा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। सो द आंसर इज संसद। संसद जो है 3 लोगों से मिलकर बनती है, 3, जिसमें पहली है लोकसभा, दूसरी है राज्यसभा और तीसरे हैं हमारे राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। सो द आंसर इज 2, अभी ही बताए थे मैंने आपको। संविधान के अनुच्छेद 371 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वे लोकसभा में उस समुदाय के 2 से जो है अनाधिक सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे। आंसर क्या है, भारत के राष्ट्रपति की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है तब तक पद धारण करे रहेंगे।
राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? सो द आंसर इज 6 यानी कि 6 वर्ष, और जबकि लोकसभा के जो हैं कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले 12 सदस्यों तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से 238 प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है, और इसमें सदस्य के लिए जो चुने गए सदस्य हैं उनकी हम समयावधि की बात करें तो कितनी है? 6 वर्ष। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? सो इसका सही आंसर क्या है? 12, है ना। अभी हमने डिस्कस किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जो है 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है जो इन कलाओं में निपुण होते हैं। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? सो इसका जो सही आंसर है नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था, जो भारत का पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हम बात करें वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण, वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, तो सभी जो हैं ये इसके उद्देश्य हैं। जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण, वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास तथा कृषि क्षेत्र में उनके अनुप्रयोग को बढ़ावा देना है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? गेंडे के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और इस उद्यान की जो स्थापना है 1905 में की गई थी। भारत में सबसे लंबा बांध है, तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह कौन सा है? हीराकुंड बांध। उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। तो यहाँ से और दो चीज़ें मिल गई कि हीराकुंड बांध कौन से स्टेट में है, तो उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर सिचुएटेड है, तो महानदी पर। और ये जो क्या है, भारत का सबसे लंबा बांध है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से हमारे बन जाते हैं। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो भारत में स्थापित जो पहला परमाणु संयंत्र है उसका आंसर है तारापुर। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र तारापुर है। इसकी स्थापना वर्ष 1969 में मुंबई के निकट तारापुर नामक स्थान पर की गई थी, ठीक है। तो पहला आंसर यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पहला परमाणु संयंत्र है कहाँ पर है? तारापुर में है। स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। ये भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है। डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? भूमध्य रेखा के निकट। डोलड्रम कटिबंध भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाया जाता है। कैसे? ये देख लीजिए, ये होगी भूमध्य रेखा, तो ये होती है 0 डिग्री, और यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 5 डिग्री हो जाएगा नॉर्थ यानी कि उत्तर, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आ जाएगा 5 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिण। तो ये जो बीच का क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? तो डोलड्रम इसको कहा जाता है, ठीक है। ये निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है जहाँ प्रचलित पवने शांत रहती हैं। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? अफ्रीका का सबसे बड़ा देश होगा यहाँ पर, ओके। तो आंसर इज अल्जीरिया। हम देख लेते हैं, सूडान से दक्षिण सूडान के अलग होने के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया अब अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। कैपिटल क्या है? अल्जीरिस, ठीक है। उससे पहले क्या सूडान हुआ करता था, लेकिन सूडान से साउथ सूडान अलग हो गया, तो अब ये 2 कंट्रीज हो गई हैं अफ्रीका की, और अल्जीरिया जो है सबसे बड़ी कंट्री हो गई, ठीक है। और हम अफ्रीका महाद्वीप की बात कर लें तो इसको ब्लाइंड कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, वो भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही है। और दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही प्रवाहित होती है। रवांडा की राजधानी क्या है? आंसर इज किगाली, ओके। रवांडा की राजधानी किगाली है। ये रवांडा का सबसे बड़ा शहर और व्यापारिक केंद्र भी है, और रवांडा कहाँ पर है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होने वाला है इसका? 10 टू द पावर 3 ओम,
ठीक है, प्रतिरोध की यहाँ पर बात हो रही है। मानव शरीर अन्य धातु की तरह ही विद्युत की सुचालक होती है, ओके, और मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 10^3 ओम होता है। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? ठीक है, क्वेश्चन तो इजी है लेकिन फिर भी पूछा जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की परिभाषा किसने दी थी? न्यूटन ने दी थी। ठीक है, न्यूटन के जो लॉज हैं सबने पढ़े होंगे, 3 लॉ इन्होंने दिए हैं। गुरुत्वाकर्षण पदार्थ द्वारा एक दूसरे की ओर को आकर्षित होने की प्रवृत्ति को कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहली बार कोई गणितज्ञ सूत्र देने की कोशिश आइज़ैक न्यूटन के द्वारा की गई थी। लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्य रूप क्या है? तो लोहे का जो सबसे शुद्ध वाणिज्य रूप है वो है पिटवा लोहा। लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्य रूप पिटवा लोहा है। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध अयस्क है जिसमें कार्बन की मात्रा स्टील से भी कम होती है। वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? सो द आंसर इज एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम की हम बात करें तो एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो जो कि अपने ही ऑक्साइड की परत बनने के कारण जंग लगने से बचती है। तो सभी ने देखा होगा जो एल्यूमिनियम जो मेटल है उस पर कभी भी जंग नहीं लगती। सीमेंट की खोज किसने की थी? सो आंसर इज जोसेफ आस्पदन। इनके द्वारा सीमेंट की खोज की गई थी। हम देख लेते हैं, सीमेंट की खोज जोसेफ आस्पदन ने 1824 ईस्वी में की थी। इसका जो रंग है ब्रिटिश तट पर पोर्टलैंड के द्वीप पर उत्खनित पत्थर के समान होने के कारण इन्होंने इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा था। ओके, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें से हमें बताना है। आंसर इज ग्रेफाइट। सभी ने सुना है ग्रेफाइट के बारे में, सभी ने देखा भी है आपकी पेंसिल्स में होता है। ग्रेफाइट को पेंसिल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। ये कार्बन का एक अपर रूप है। विटामिन डी अनिवार्य है? तो भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी जो है अनिवार्य है। ठीक है, और हमारी बोन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विटामिन डी की हम बात करें तो एक ऐसा विटामिन है जो हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, इसका कार्य कैल्शियम तथा फॉस्फोरस का अवशोषण करना है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो इसका भी सही आंसर होने वाला है विटामिन डी। और विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स किसको बोला जाता है? तो सनलाइट को बोला जाता है। जिनकी भी बोन्स वीक हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी के कारण भी बोन्स वीक होती हैं, लेकिन और जो सबसे मेन रीज़न होता है विटामिन डी होता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स जो है माना जाता है सनलाइट को। हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वो भी याद रखना है, वो भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो कैल्सीफेरॉल। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? सो आंसर इज प्रतिलोम यानी कि इनवर्स। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य यानी कि प्राइस और कीमत स्तर के बीच में प्रतिलोम संबंध होता है। भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है? तो जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। ठीक है, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति को क्या कहा जा सकता है? कि जनता के पास जो मुद्रा है वो बैंकों में जमा से कम है। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्यय विधि के माध्यम से GNP, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता? सो द आंसर इज मूल्यास्वय। ठीक है, विधि के माध्यम से GNP की गणना में जो मूल्यह्रास होता है उसे शामिल नहीं किया जाता। सो गाइस, ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ हमारा जो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का मोबाइल ऐप है लॉन्च हो चुका है, तो आपने अगर अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के इसको डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर आपको डेली के फ्री PDFs, ऑडियोज, OSP नोट्स, ई-बुक्स, जॉब अलर्ट्स सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू।